एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। साथ चलना होगा। शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म टाइगर वर्सेस पठान की चर्चा जोरों से है, क्योंकि यह पहली बार होगा जब दोनों सितारे आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देंगे। दोनों ही बड़े सुपरस्टार हैं और दोनों की अपनी अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में दोनों के बीच अगर वार देखने को मिले तो बॉक्स ऑफिस पर आग लगनी तो तय है। शाहरुख खान से एक बार जब पूछा गया था कि तीनों खान एक साथ एक फिल्म में कब नजर आएंगे, तो एक्टर ने कहा था किस प्रोड्यूसर के पास इतने पैसे हैं जो तीनों खान को साइन कर सके। अब सलमान और शाहरुख खान एक साथ एक फिल्म में आ रहे हैं तो दोनों की फीस क्या होगी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के लिए शाहरुख खान और सलमान खान कोई फीस नहीं लेंगे बल्कि प्रॉफिट का हिस्सा लेंगे। शाहरुख खान और सलमान खान प्रॉफिट का 40-40% लेंगे जबकि उस प्रॉफिट का 20% आदित्य चोपड़ा लेंगे। 20% भी काफी बड़ी रकम होगी क्योंकि उम्मीद है यह फिल्म खूब पैसे कमाने वाली है। बॉलीवुड हंगामा की उसी रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए है। इसमें सलमान और शाहरुख खान की फीस शामिल नहीं है। दोनों फिल्म की प्रॉफिट का 80% हिस्सा ले जाएंगे। पठान ने दुनिया भर में 1,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। ऐसे में उम्मीद है कि टाइगर वर्सेस पठान की कमाई और भी ज्यादा होगी। टाइगर वर्सेस पठान का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे। फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो सकती है। यह फिल्म साल 2025 में रिलीज हो सकती है। फिल्म के बाकी सुपरस्टार की घोषणा अभी नहीं हुई है।